सत्ता का संग्राम तीसरा चरण। जी हाँ दोस्तों, यूपी में अब होगा तीसरा चरण का रण। 16 जिलों की 59 सीटों पर होगी वोटिंग। इक्लेश के केरल में भी मतदान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा तक अचानक दिन में धूप जलाने लगी है। तापमान के तेवर जरा तीखे हो गए हैं, लेकिन गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं है, मौसमी गर्मी से ज्यादा तपती यानी कि तपिश उत्तर प्रदेश के चुनाव में महसूस हो रही है। सोमवार को दूसरे चरण के लिए 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और दूसरे चरण के समापन के साथ साथ तीसरे चरण का रण शुरू हो गया है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यानी कि तीसरे चरण की चुनावी रणनीति और चुनौतियां बड़ी है, क्योंकि यह पहले दो चरणों के मुकाबले चुनाव ज्यादा जिलों में है। अगले चरण में यूपी की 3 हिस्सों यानी अवध, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड में चुनाव है। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस है जहां 19 सीटें यानी कि 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर देहात यानी कि कानपुर नगर और कानपुर देहात, ओरिया, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा जिले यानी कि 6 जिले यहां पर है अवध रीजन की, जहां 27 विधानसभा सीटें और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान है, जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। हर पार्टी के लिए है जरूरी तीसरा चरण है। 59 सीटों वाले तीसरे चरण पर हर पार्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को एक एक सीट मिली थी। खास बात यह है कि तीसरे चरण में जिले 16 है और चुनाव 20 को होने हैं। इनमें से 9 जिले यादव बहुल्य आबादी वाले है, इनमें से फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। और 2017 में 30 यादव बहुल्य सीटों के बावजूद एसपी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। यही वजह है कि यादव बहुल जिले को साधने के लिए बीजेपी ब्रिगेड परिवारवाद पर निशाना साध रही है। और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की लहर सवारी थी और जिसका फायदा साफ दिखाई दिया था। इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों की गूंज के बाद सबसे ज्यादा शोर हिजाब पर मसरा है। तीसरे चरण में 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल्य हैं और ये सीटें फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा जैसे जिलों में आती हैं। इस मैनपुरी की करल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव को जीतने के लिए चाचा शिवपाल यादव पुरानी बातें भूलकर प्रचार कर रहे हैं। करहल वो सीट है जो तीसरे दौर की सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के एसपीसी हैं बघेल से है, जो केंद्र में मंत्री रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात यह है कि तीसरे दौर के चुनाव में पूरा जोर दोनों गठबंधन का जातीय गुणा गणित को दुरुस्त करने का है। इसी हिसाब से वोट पड़ते रहे, इसलिए टिकट भी इसी हिसाब से बांटे गए हैं। हर पार्टी चुनावी बिसात पर फूंक फूंक कर मोहर बिठा रही है, लेकिन किसकी से होगी और किसकी मात, ये तो 10 मार्च को नतीजे आते ही पता चलेगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, इससे पहले क्या कहते हैं आंकड़े। इस बार के आंकड़े की बात करें तो किसे कितनी सीट मिलेगी, कौन मारेगा बाजी, तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फरुखाबाद की। 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी यानी सपा पार्टी और 1 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इटावा की। 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 59 सीटों यानी तीसरे चरण की 59 सीटों में से 7 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एटा की। 4 विधानसभा सीट है, 4 में
से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बसपा खत्म में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश के 30 चरण की 59 सीटों में से 11 विधानसभा सीटों का सर्वे आपके संक्रमण दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खत्म में 7, समाजवादी पार्टी खत्म में 3, बहुजन कांग्रेस के खत्म में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी SP कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 59 सीटों में से 15 विधानसभा सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन में दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सपा यहाँ पर 3 सीटों पर, बसपा खत में 0, कांग्रेस पार्टी खत में 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 430 चरण की 59 सीटों में से 25 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 19, समाजवादी पार्टी खाते में 14, बहुजन खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी को 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कासगंज की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर है 3 की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा और कांग्रेस का सपाया हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 30 चरण की 59 सीटों में से 28 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 22, समाजवादी पार्टी खाते में 14, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हाथरस की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 3 की 3 विधानसभा सीट है, सपा, बसपा, कांग्रेस को यहाँ पर सुपड़ा सप। उत्तर प्रदेश की 59 सीटों में से 31 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 25, समाजवादी पार्टी खाते में 4, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट है, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीट है, 4 की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस और यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, 30 चरण की अब तक की 59 सीटों में से 34 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 31, समाजवादी पार्टी खाते में 5, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों वही बात कर लेते हैं महोबा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 59 सीटों में से 40 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 33, समाजवादी पार्टी खाते में 5, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं ललितपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जालौन की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर बसपा, सपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 59 सीटों में 47 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 38, समाजवादी पार्टी खाते में 6, बसपा खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। ओरिया की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 59 में से 50 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 41, समाजवादी पार्टी खाते में 6, बसपा खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बाकी सभी यानी बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। मैनपुर की 4 विधानसभा सीट है, यानी करहल विधानसभा सीट तो समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, बाकी सभी सीटें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। सपा, बसपा यानी कि बसपा को 0, कांग्रेस को 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी 59 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यानी कि 30 चरण की 59 सीटों में से 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 9 और बहुजन खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।